हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर। पाकिस्तान ने सेकंड टेस्ट जीत लिया है और एक नई चीज़ सुनने को मिल रही, बाबर आजम का पहला विकेट। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट जीत लिया है, पूरी इनिंग के साथ जीता है, 8 रन भी थे उसमें। चलिए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। अच्छा, बाबर आजम ने विकेट लिया है, इसका मतलब ये बाबर आजम फर्स्ट विकेट उनके। मुझे यही नहीं पता था यार, बॉलिंग कराता है बंदा, टेस्ट क्रिकेट में कराते होंगे, ओडीआई में तो नहीं। टेस्ट क्रिकेट में तो धोनी ने भी कराई थी, करा लेते हैं लोग, लेकिन पहला विकेट भी ले लिया। बॉलिंग में कदम बाबर आजम का, ओके। बॉल डाली थी LBW, ये LBW था, थोड़ा सा लेग स्टंप की तरफ, ओके। LBW वाला विकेट लिया था बाबर आजम ने, सही है भाई। बाबर आजम बॉलिंग में ना उतर गया है कहीं, पूरी तरह जश्न मनाया जा रहा है विकेट के बाद, ये सब लोग मुबारकबाद दे रहे हैं, करियर का पहला विकेट। सही है, अच्छा डिसीजन नॉट आउट कर दिया था शायद, अब आउट है। रिव्यू लिया होगा, रिव्यू पाकिस्तानी कप्तान और दुनिया क्रिकेट के नंबर वन बल्लेबाज बाबर आजम की इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी पहली विकेट। सही है भाई, बॉलिंग में भी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान बा मुकाबला बांग्लादेश दूसरा टेस्ट मैच जिसमें पाकिस्तानी टीम ने बांग्लादेशी टीम को शिकस्त देकर दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ डाला, जिसके बाद भारतीय मीडिया भी पाकिस्तान टीम की तारीफें करने लगा। आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे पाकिस्तानी टीम ने कौन सा वो बड़ा रिकॉर्ड हासिल किया और एक ही दिन में जो है पाकिस्तानी टीम ने टेस्ट मैच को खत्म कर डाला। इस वीडियो में मजीद चलकर आपको तफसील बताते हैं, उससे पहले पाकिस्तान बा मुकाबला बांग्लादेश दूसरा टेस्ट मैच जो है बारिश की नजर आया। 3 दिन पहले जो बारिश शुरू रही है, उसके बाद जो पाकिस्तानी टीम ने इनिंग शुरू की, 300 रन पर इनिंग डिक्लेयर की। उसके बाद जो बांग्लादेशी टीम पहली इनिंग खेलने आई जो कि 87 रन पर आउट हो गई। फिर जो पाकिस्तानी टीम ने 200 रन का टारगेट दिया, यानी कि फॉलो ऑन से बचने के लिए टारगेट दिया, जिसके बाद बंगाली टीम जो है 204 रन नहीं बना सकी और पाकिस्तानी टीम ने एक ही दिन में खेल खत्म किया, जिसके बाद भारतीय मीडिया भी तारीफें करने लगा। बारिश का जो मौसम था वो बन रहा था और ये कहें कि 2-2.5 दिन का या फिर 2 दिन का ही मैच कहिए आप इसको, कि 2 दिन में मैच जीत लिया है, तो ये बहुत छोटी और बड़ा रिकॉर्ड है, छोटी जीत बड़ा रिकॉर्ड। साजिद ने विकटों की लाइन लगा दी है, उन्होंने जो एक उभर कर एक सामने आए हैं, वो चीज़ निकल कर सामने आई है कि उनके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो 5-5, 6-6 विकेट भी ले सकते हैं भाई। इतने ज़्यादा विकेट ले जाकर दिखा दिया है कि वो सिर्फ इस फॉर्मेट में नहीं, दूसरे फॉर्मेट में भी जाने का उनका इरादा है, या फिर ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल है उनके अंदर, तो दूसरे फॉर्मेट में भी खेल सकते हैं, जैसे कि वनडे में भी खेल सकते हैं। बाबर आजम ने भाई, बाबर आजम ने पहला ओवर कराकर विकेट ले लिया, मतलब फर्स्ट एवर विकेट। पहला ओवर तो नहीं था शायद इसमें, या फिर पहले भी करा चुके हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें इन्होंने अपने करियर का टेस्ट क्रिकेट में बॉलिंग कराई और विकेट भी ले लिया। वाह भाई वाह, बाबर आजम नंबर वन क्रिकेट में अपनी रैंकिंग बनाए हुए हैं और नंबर वन बैट्समैन है दुनिया के, उसके अलावा हल्के हल्के अपना रुख कर रहे हैं बॉलिंग की तरफ। अगर वैसे ऐसे मौज मस्ती में और टेस्ट क्रिकेट में लोगों ने कराई हैं बॉल्स, जिन्होंने कभी जो कभी बॉलर्स नहीं थे, जो कभी कुछ नहीं थे, लाइक धोनी और इन लोगों ने भी कराई हैं, तो ऐसे में विकेट ले लिया है उन्होंने पहला करियर में, एक नंबर तो जुड़ गया उनके करियर में कि भाई सिर्फ रैंक उनकी रन्स के ऊपर नहीं है, विकेट भी है उनके खाते में भाई। ओवरऑल फैंटेस्टिक जीत थी, बढ़िया जीत थी, निकल कर लोग सामने आए हैं, पोटेंशियल उनका दिखा है इसमें, आबिद का दिखा है टेस्ट सीरीज़ में और साजिद का दिखा है
एंड बाबर आजम की बॉलिंग का भी दिख गया है भाई, नई नई चीज़ें देखने को मिली है। कमेंट सेक्शन में बताओ आपको कैसा फील हो रहा है, और लाइक करके शेयर कर देना इस वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।